नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं बलिया में गुरुद्वारा रोड स्थित महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रसड़ा व सेर विधानसभा के प्रथम पूर्व विधायक बाबू गंगा प्रसाद सिंह की 52वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित अपने नेता को श्रद्धांजलि दिया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय बाबू गंगा प्रसाद सिंह देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व उन्हें बनारस के सेंट्रल जेल में लगभग 5 साल लगातार अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर रखा गया। जिलापूर्ति अधिकारी पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कूद पड़े और 1952 सेकंड 1962 के विधानसभा में रसड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ लगातार 2 बार विधायक बने। स्वर्गीय सिंह की शख्सियत व लोकप्रियता का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि रसड़ा से लगातार 2 बार विधायक होने के बाद 1962 में जब बिलथरा रोड सियर विधानसभा से चुनाव लड़ा तब लगातार 3री बार भी कांग्रेस का परचम लहरा लखनऊ विधानसभा पहुंचने का काम किए। 1967 के चुनाव में मामूली वोटों से पराजित होने के बाद तत्कालीन सरकार विधान परिषद सदस्य बनाकर विधानसभा भेजने की तैयारी में लगी हुई थी, जिसे सिंह ने यह कह ठुकरा दिया कि जनता ने हमें नकारा है और जब तक जनता द्वारा पुनः मुझे चुना नहीं जाता तब तक मैं किसी भी पद को नहीं ले सकता। स्वर्गीय सिंह अपने कार्यकाल में हजारों लोगों को नौकरी दे चुके हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में रोहित गुप्ता, शैलेश कुमार बारी, राजप्रकाश अमित गुप्ता, सोनू, वीरेंद्र गौर, चंदन गुप्ता, संदीप श्रीवास्तव, आर्यन गुप्ता, विजय कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। संचालन स्वर्गीय सिंह के पौत्र सागर सिंह राहुल ने किया।